मैं गुरु पूर्णिमा में आपको इस सारी सारी साधनाओं के साथ आपका इंतजार करूंगा। धूप में बैठे हैं इसका मुझे भी ज्ञान है। आप शाम में 5 बजे धूप चल जाएगी तब आप यहाँ आना, साधना बताऊंगा और इस साधना के बाद बताऊंगा कि आपको क्या करना है, किस प्रकार से आप साधना में सिद्धि प्राप्त करेंगे। और एक विशेष बात आपको बताना चाहता हूँ, मेरा संकल्प होता है और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी मेरे संकल्प को मेरे मन में आते ही कहते हैं, आते ही बता देते हैं कि ठीक है तुझे करना है। मैं ऐसा मानसरोवर गया, चार धाम यात्रा किया, ऐसा कुछ नहीं, कहीं भी नहीं कि मैं ऐसा नहीं गया। तो इस बार अचानक फिर गुजरात के साधकों ने कहा है, गुरु जी आने वाला आपका जन्मदिन, क्योंकि मेरा जन्मदिन तो गुजरात वाले आपके 10-11 सालों से मना रहे हैं, और उन्होंने इस बार कहा है कि गुरु जी आपका जन्मदिन हम गिरनार में मनाएंगे, जहाँ दत्तात्रेय भगवान है और साहू विधान की श्रेष्ठता है, जहाँ मैंने काली को देखा है, जिसके पाओं में दम है, जो 10,000 सिंह यहाँ चढ़ सकता है, जो आ सकता है वो मेरे साथ आए, मैं आपको काली साधना और उस मंदिर को दिखाने बता देता हूँ जहाँ दत्त पालता है। दत्त आज भी वहाँ आकर साधना तपस्या करते हैं। 21 फरवरी आने वाली वो गिरनार पर्वत में, और विशेषता उसमें क्या है, उस दिन महाशिवरात्रि भी है मेरे जन्मदिवस के दिन, और वो साधना शिविर आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए। मैं जब भी चाहता हूँ कि मेरे पास जितने मेरे पास कम साधक आए कोई बात नहीं, लेकिन साधना करने वाले ही है, बिना साधना करने वालों को मैं पहले आने नहीं देता। मैं आपको लड्डू खिलाऊंगा, अच्छा सा बैठने के लिए आपको बिस्तर दूंगा, सब कुछ सब आपको जितनी फैसिलिटी चाहिए दूंगा, लेकिन शर्त यह है मेरे पास आने वाले की साधना करें। मैं शक्तिपात दीक्षा से सिद्धिपात दीक्षा नहीं देता, शक्तिपात से आपको साधना सिद्ध होगी ऐसा कहीं नहीं है, हुआ नहीं। शक्तिपात दीक्षा सिद्धिपात दीक्षा नहीं है, शक्तिपात करते तो सिद्धि में, शक्तिपात दीक्षा का अर्थ होता है आपको शक्ति प्रदान करने साधना करने के लिए, और आप उस शक्तिपात से साधना करें साधना में सिद्ध हो। मैं आपके सामने यहाँ इस सारी चीजों की इतनी भूमि को निखिल चेतना केंद्र को लेकर बैठा हूँ। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ उस गुरु कृपा से निखिल चेतना केंद्र की 40 शाखाएं मैं परसों देखा हूँ कि भारत और बाहर में 40 शाखाएं उत्पन्न हुई। आज मेरे में कुछ नहीं है, ना मेरा बाप दादा गुरु था, ना कोई धनवान थे, जो कुछ भी हुआ है केवल और केवल साधना के बल पर हुआ। मैं चाहता हूँ साधना के बल पर आप जिए और हजारों लोगों को जीने की क्रिया करें, और लोग कहें कि ये गुरु डॉक्टर नारायण सिंह का शिष्य है। आप तो सुखी हो ही हो, आपके साथ 10 लोगों को सुख करने सुखी रखने की प्रक्रिया करें, उसको साधना का ढंग से श्रेष्ठता कहा गया। आज हमारे भविष्य ज्ञान, ज्योतिष ज्ञान आदि सारे ग्रंथ संस्कृत में है, इसको हम जानकर पढ़कर अगर हम कुंडलियों के बारे में करें, योग विज्ञान करें, अष्टांग योग को करें, वो पतंजलि का लिखा हुआ है, हम उसको जानते ही नहीं तो उसको करते ही नहीं तो हम किस प्रकार सिद्ध होंगे। हमें एक ही भाषा मालूम है, गुरु। अगर मुख से वो गुरु शब्द का उच्चार हो जाए और हम सिद्ध हो जाए, इसकी क्रिया क्या है, और यही क्रिया साबर विधान से मैं आपको समझाता हूँ कैसे सिद्ध नहीं होंगे आपके मंत्र मैं देखता हूँ, नहीं तो यहाँ गुरु को छोड़कर हिमालय चला जाऊंगा और वहां बैठ के तुम सभी के लिए प्रार्थना करूंगा कि वो सिद्धि मिले ही मिले। मैं उस दिन भी वचन दिया हूँ, आज भी वचन दिया हूँ, कल भी वचन दूंगा कि जो मेरे पास आए हैं वो सिद्ध कहलाएंगे, उनके लिए वो तुमसे नहीं होता है तो मेरी शक्ति का उपयोग करूंगा, जरूर मैं साधना तपस्या में जाकर आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मुझे साधना करने में जितना आनंद आता है और आपके लिए करने में और भी आनंद आता है। मैं तो दूध पीऊं ही पीऊं, मुझे अमृत देने के लिए मेरे गुरु बैठे हुए हैं, लेकिन मेरी गुरु की क्रिया करने के लिए आपको भी वही दूध और अमृत पिला सकूं, उस दिन मैं अपने आप को श्रेष्ठ समझूंगा और मेरे गुरु जी का शिष्य समझूंगा। आज की जो श्रेष्ठता है उस श्रेष्ठता के बारे में जो भगवान शिव जी से मत्स्येंद्रनाथ ने कहा था कि कौन सा मंत्र बोलने से गुरु की सिद्धि प्राप्त होगी, मैं केवल 3 बार उस मंत्र को बोलता हूं, आप उस मंत्र को सुने, सुनने मात्र से कहा है कि उसकी सिद्धि प्राप्त हो। मत्स्येंद्रनाथ जी का पूछा हुआ शिव जी को, शक्ति बैठे हुए थे, तो उन्हें पूछा था कि हम जो साबरी मंत्र जब भी बोलेंगे भावना के साथ वो हमें सिद्ध हो जाए, ऐसा उन्होंने प्रार्थना की थी, और हमारे सर्वारिष्ट निवारण हो जाए, हमारे ऊपर धूप आ रही है तो बादल छा जाए, ठंडी आ जाए, ऐसा अगर हम प्रार्थना करते हैं साबर को पूछते हैं तो क्या साबर देगा, हम देखते हैं कैसा होगा या नहीं होगा। इच्छित कार्य पूर्ति के लिए मत्स्येंद्रनाथ जी ने शिव शक्ति माता को यह मंत्र मांगा था, और यह मंत्र इस प्रकार था, ओम नमो महासाबरी शक्ति मम अरिष्टम निवारय निवारय मम अमुक कार्य सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। 3 बार बोल रहा हूँ, ओम नमो महासाबरी शक्ति मम अरिष्टम निवारय निवारय
मम अमुपकार सिद्धम सिद्धम कुरुकुर स्वाहा। ओम नमो महा सागरी शक्ति मम अनिष्टम निवारय निवारय मम अमुक कार्यम सिद्धम सिद्धम कुरुकुर स्वाहा। यह मंत्र मच्छिंद्रनाथ जी ने दत्तात्रेय भगवान पर शिव शक्ति को पूछा था। इस मंत्र का केवल रोज रोज 11 बार बोलकर किसी कार्य के लिए जाते हो तो निश्चित रूप से वो कार्य सिद्ध होगा, ऐसा मच्छिंद्रनाथ जी का कहना है। फिर भी मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा था कि सब लोग इस मंत्र को करें या ना करें, आप ये तो बताओ, आम के झाड़ से आम ही आएगा, जाम के झाड़ से जाम ही आएगा, फनस के झाड़ से फनस ही आएगा, या जिस फल का झाड़ लगाओगे भी उससे उस फल का ही होगा। तो फल अपने अपने हैं, मिठाई अपनी अपनी है। तो मच्छिंद्रनाथ ने पूछा था कि ये फल इतने अलग अलग क्यों, एक ही फल होता मीठा तो सब लोग खाके अच्छे रहते थे, नहीं सर्वसुख में कोई कमी नहीं, ना बीमारी आती है, अप्सराएं नाचते हैं, अमृत पीते हैं, शरीर शुद्ध होता है, कोई बीमारी नहीं आती, कुछ नहीं आती, सुख नृत्य बीते, सब 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 सुखी रहते हैं स्वर्ग में। लेकिन फिर भी जब वे ऊब जाते हैं स्वर्ग के उस सुख से, तब कहते हैं कि सावर मंत्र को आपको बोलने के बाद आप घर में 3 बार या 5 बार बोलकर घर से बाहर निकलते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सिद्धि होगी। जैसा मैंने आपके कहा आम खाकर ऊब जाते हैं, तो प्रभु ने अपने अपने नवग्रहों को और 12 राशियों को निकाला और कहा इस राशि में जो जन्म लेगा वो इस प्रकार होगा, उसकी उसके गुण इस प्रकार होंगे, उसकी कीर्ति इस प्रकार होगी, वो कहते हुए चलेगा। तब मच्छिंद्रनाथ ने कहा ठीक है प्रभु, आपके झाड़ के लिए बीज अलग है, जाम के झाड़ के लिए बीज अलग है और दूसरे फलों के झाड़ के लिए बीज अलग है, तो फिर आप बताओ कौन सा बीज किसके लिए उपयोग करना। तब उन्होंने कहा मैं मच्छिंद्रनाथ जी को शिव जी ने कहा मैं हर एक राशि का बीज मंत्र बोलता हूँ जो सावर विधान का है, जो इस मंत्र को करेगा उसके जीवन में उस राशि की वृद्धि होगी, वो यश और कीर्ति को प्राप्त करेगा। केवल मंत्र बोल रहा हूँ आप सुनो। मेष राशि के लिए है ऐम क्रीम सौ, वृषभ राशि के लिए ह्रीम क्रीम सौ और मिथुन राशि के लिए है श्रीम ऐम सौ, कर्क राशि के लिए ऐम क्रीम श्रीम, सिंह राशि के लिए ह्रीम श्रीम सौ, कन्या राशि के लिए श्रीम ऐम सौ और तुला राशि के लिए है ह्रीम क्रीम श्रीम, वृश्चिक राशि के लिए ऐम क्रीम सौ और धनु राशि के लिए ह्रीम क्रीम सौ, मकर राशि के लिए ऐम क्रीम ह्रीम श्रीम सौ, कुंभ राशि के लिए ओम ह्रीम ऐम क्रीम श्रीम और मीन राशि के लिए ह्रीम क्रीम सौ। इस मंत्र को जो जो राशि के अनुसार अपना इस मंत्र को बोलता है वो हर प्रकार की सिद्धि अपने राशि के अनुसार वो उच्च पद पर प्राप्त होता है, उसकी यश कीर्ति मान सम्मान उसके जीवन में पुत्र पौत्र पत्नी सुख पुत्र सुख पौत्र सुख धन धान्य ऐश्वर्य से भी प्राप्त होता है। उन राशि के अनुसार इस मंत्र को अगर केवल 11 बार वो बोल लेता है घर में रोज साबर मंत्र जैसे अपने गुरु को सामने रखकर इस मंत्र को अगर बोलता है तो उसको इसकी सिद्धि प्राप्त होगी ऐसा कहा गया। अब इसके साथ मैं आप सभी को आज जो मंत्र दे रहा हूं अभी तो उतनी धूप नहीं है आपके लिए, थोड़ी देर बैठ सकते हैं आप, धूप होगी तो गर्मी ज्यादा हो रही थी, अब धूप तो थोड़ी कम हो गई है, शायद प्रभु कृपा से ऐसा हुआ है। तो अभी आपको उस शबरी कवच को सुनाता हूं जिसको सुनने मात्र से माता पार्वती को इस मंत्र को सुनाकर शिव जी ने कहा था कि ये मंत्र इस कवच को जो पढ़ता है उसके शरीर वज्रकाय हो जाता है, उसको किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती और जिसको बीमारी नहीं होती वो हर कार्य कर सकता है। जिस प्रकार को चाहे बीमारी हो या ना हो उसके लिए क्या करना पड़ता है। अभी आप कहेंगे कि इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए मैं गिरनार पर्वत में उस काली मंदिर के पास 3 घंटे बैठा था तो वो साधु आए और मैंने माता से प्रार्थना की थी कि हमारे साधक रोज संस्कृत में मंत्र करते हैं, हम भी करते हैं, साधनाएं सिद्ध नहीं होती, तो उन्होंने इन मंत्रों की पुस्तक को लाके दिया था जो वहाँ चरपटनाथ के नावनाथ संप्रदाय के लोग कहलाए जाते हैं। आज भी कहते हैं कि शिवरात्रि महाशिवरात्रि के दिन जितने भी नागा साधु है 50,000 से 1,00,000 लोग अंदर से ऊपर आते हैं और सिर्फ 1 घंटे के अंदर महाशिवरात्रि के दिन गायब हो जाते हैं, उनको देखने के लिए बाहर बाहर से खूब दूर दूर से लोग आते हैं। तो ऐसे कवच को केवल जब आपको तपस्या रूप में हो, आप अच्छी तरह शुद्ध होकर अपने मन की भावनाओं को श्रेष्ठ करते हुए मैं कवच को पढ़ रहा हूँ सुनो, आपका शरीर वज्रकाय हो और आप साधना के लिए प्रेरित हो, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो, इसके लिए इस कवच को पढ़ रहा हूँ। कवच केवल उन लोगों को दूंगा जो लोग साबर मंत्र के विधान को करना चाहते हैं और तपस्या के लिए, जैसे गोरखनाथ 12 साल गोरक्षा में थे, जहाँ उकेरड़ा पड़ा हुआ था, जहाँ कहते हैं तेलुगु में पिंटा कहते हैं या मराठी में कहते हैं, जहाँ गोबर पड़ा था उसमें से उत्पत्ति, 12 साल उकेरड़ा में रहे। हाथी में रहे कालीफानाथ,
हर एक नाथ 12 साल मच्छी के पेट में रहे, यानी इनके आयुर्वेद सम होता है, यानी वे हर ताप को 12 साल अनुभव करने के बाद आयुर्वेद होकर आए और उनकी श्रेष्ठता हुई। तो आज इसी टेंट के नीचे आपको भी ताप देते हुए मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। आप कवच को श्रेष्ठता सुनो, अच्छी तरह पद्मासन डालकर या सिंहासन डालकर बैठो और इस मंत्र को मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनो।